के लिए ऑप्शन जो है इसको क्लिक करेंगे, ये हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखें ये मेरा हो गया है, आ गया है यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे आ गया है कि जो भी डेट मैंने सेलेक्ट किया है, जो भी टाइमिंग मैंने सेलेक्ट की है, आप लोग देख सकते हैं मुझे परमिट यहाँ पे इशू हो गया है। तो ये देखें ये सारा कुछ प्रोसेस इसका इस तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मतलब बरकातुहू हूँ। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो इसके ऊपर है कि हम लोग बहुत सारी बहनों ने पूछा है कि नुसुक ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे उसमें परमिट लेते हैं। तो इन सब का तरीका मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टोर को खोलते हैं, देखें तो ये देखिए मैंने पहले से निकाल लिया हुआ है, ये देखिए नुसुक ऐप है और लोगो आप देख सकते हैं नुसुक ऐप का, ये लोगो है, ये नुसुक ऐप है, मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे मैं ओपन करने वाली हूँ। चलिए ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और नीचे आएंगे यहाँ पे लिखा होगा अरबी और इस्तमरार लिखा होगा, तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग इंग्लिश भी कर देते हैं ताकि आसानी से समझ आ सके सबको। चलिए इंग्लिश में कर दिया है, ये हो गया है। चलिए यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा, ये देख सकते हैं आप। अब हम करेंगे इसको, तो चलिए यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है और एक है न्यू यूज़र, तो हम लोग न्यू यूज़र का ऑप्शन क्लिक करेंगे। देखिए आप लोग न्यू यूज़र का ऑप्शन जब क्लिक किया तो ये सब कुछ आ जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं सिटीज़न और रेजिडेंट का है, एक गल्फ का है और एक विजिटर का है। तो नीचे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विजिटर को क्लिक करेंगे, आप लोग का विजिट वीज़ा है या उम्र का वीज़ा है तो हम लोग विजिटर का ही करेंगे, और यहाँ पे नीचे आएंगे वीज़ा नंबर देंगे अपना। अच्छा, तो पासपोर्ट को खोल के हम लोग यहाँ पे वीज़ा नंबर देखेंगे और वहाँ पे ऐड करेंगे, और वीज़ा नंबर यहाँ पे ऊपर लिखा होता है, ये देख के रखने का शीरा ये है। अच्छा, तो यहाँ पे वीज़ा नंबर हम लोग डालेंगे, ऐड करेंगे, तो मैं वीज़ा नंबर लिखती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोग को। अच्छा, यहाँ पे वीज़ा नंबर मैंने ऐड कर लिए हैं। अब दूसरा है पासपोर्ट नंबर है, तो पासपोर्ट नंबर भी हम लोग पासपोर्ट से ही लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पासपोर्ट नंबर भी ऐड कर लिया है मैंने, अभी डेट ऑफ बर्थ नीचे ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का, अभी डेट ऑफ बर्थ हम लोग लिखेंगे, आप लोग का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप लोग वो लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख लिया है, ऐड कर लिया है, अभी नीचे ऑप्शन है नेशनलिटी का, तो आपकी जो भी नेशनलिटी होगी आप वही ऐड करेंगे। मैं पाकिस्तान की हूँ तो मैं पाकिस्तानी ऐड करूँगी यहाँ पे, ठीक है, या इंडिया से हैं आप, जहाँ से भी हैं आप अपनी नेशनलिटी जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, तो पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, और नीचे है कंट्री कोड है वो देना है हमने, मोबाइल नंबर के साथ जो कंट्री कोड होता है वो भी देंगे, मोबाइल नंबर देंगे जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर ऐड करेंगे अपना, जो भी मोबाइल नंबर है आप लोग का यहाँ पे वो ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ईमेल देना होता है, फिर ईमेल को कंफर्म करना होता है यहाँ पे, ये दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे, और फिर नीचे जो भी आप लोगों ने पासवर्ड लगाना हो तो वो पासवर्ड लगा के अपने पासवर्ड को कंफर्म करना होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब कुछ करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईमेल कंफर्म ईमेल और ये पासवर्ड और जो भी पासवर्ड मैंने दिया था वो सब कुछ मैंने लिख लिया है, कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है एक्सेप्ट का, कि इसको एक्सेप्ट करना होता है इन सारी चीज़ों को। तो चलिए इन सबको क्लिक करते हैं, इन सबको एक्सेप्ट करना होता है। चलिए रजिस्टर करते हैं इन सबको, सारा कुछ हो गया ऊपर, सारा जो इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है सब कुछ मैंने लिख लिया है, और नीचे यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड में आप लोगों ने फर्स्ट वर्ड जो है वो अपने कैपिटल में लिखना होता है, ठीक है, जो भी पासवर्ड आप लोगों ने देना हो। तो नीचे सारे जो सारी चीज़ें हैं वो सारी एक्सेप्ट करके नीचे रजिस्टर करना होता है, इसको रजिस्टर करते हैं, देखते हैं।
सर यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है मैंने, और यहाँ पे अभी ईमेल में पासकोड जो भी देंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। सर यहाँ पे पासपोर्ट जो था वो मैंने कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं ये हो गया है। ठीक है, अभी इसको ओके करते हैं। वेरीफाई करना होता है। अच्छा, वहाँ पे कंफर्म हो गया था, वेरीफाई हो गया था नंबर, तो अभी दोबारा से हम यहाँ पे आए, ये आ गया है, तो इस पर दोबारा से हम लोगों ने लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद दोबारा जब सब कुछ वेरीफाई हो गया था तो इस तरह से स्क्रीन आ जाता है, दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करना होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी होती है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना होता है ताकि कंफर्म हो जाए पूरी तरीके से। तो यहाँ पे नेशनलिटी लिखनी है आपने, और यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, फिर लॉगिन करना है, ये आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो मैं लिखती हूँ और कन्फर्म करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर लॉगिन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, दोबारा से ईमेल पे आएगा, ईमेल आएगा, और उस पासकोड को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और वेरीफाई करेंगे। फिर पासकोड आ गए हैं, हम लोग लिखते हैं। फिर पासकोड आ गए हैं, लिख लिया है मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे जब क्लिक कर लिया था, सब कुछ कंफर्म हो गया था, ईमेल में दोबारा से ईमेल आ गया था और पासकोड दे दिया था, तो वो मैंने जब ऐड किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह सा, इस तरह से मतलब आएगा, लोकल हज सर्विसेज आएगा, और नीचे हॉली मास्क का की जो सर्विसेज है उसका ऑप्शन है, उम्रे का, और नीचे जो है प्रॉफिट मास्क सर्विसेज जो है, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक मैन के लिए और एक वुमेन के लिए, तो मैं वुमेन पर क्लिक करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा परमिट के लिए, रियाजुजाना परमिट के लिए, तो हम लोग इसको क्लिक करते हैं। नीचे आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे एक चार्ट आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। रियाजुजाना के लिए जनवरी के महीने का जो चार्ट है, ये देखिए कैलेंडर में जो सारे डेट्स जो हैं आप लोग देख सकते हैं, सारे ये सारी तारीखें जो हैं इसमें आ गई हैं। अब इसमें चूज़ करना होता है कि किस डेट को जाना होगा, यानी आप लोग अपने मुताबिक जिस डेट में भी आप लोग जाना चाहते हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जिस डेट में जाना चाहूँगी तो मैं सेलेक्ट करूँगी। तो ये देखें, इसमें भी ऑप्शंस हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जो रेड कलर का है, जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था ना रेड कलर वाले का, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है इन दिनों में, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 जनवरी को बहुत ज़्यादा रश है, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इनमें जो है ज़्यादा रश नहीं है, और फिर 23, 24 से लेकर 31 तक जो है बिल्कुल भी मतलब बहुत हल्का रश होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो और बाकी ग्रे कलर का जो है ना 1 से 10 तक, इसमें ये अवेलेबल नहीं है। सही है, तो अभी मैं सेलेक्ट करूँगी जिस डेट में भी मैं जाना चाहूँगी, आप लोग जिस डेट पे भी जाना चाहोगे या जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहो जिस डेट को भी आप लोग सेलेक्ट कर दीजिएगा अपना। यहाँ पे आप लोगों ने जो डेट है उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने टाइम को सेलेक्ट करना है कि कौन से टाइम आप लोगों ने जाना होगा 24 घंटों में, तो वो सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, और यहाँ पे आप लोगों ने टाइम और डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, डेट और टाइम के बाद ये ऑप्शन आएगा, इसको भी सिलेक्ट करना होगा, क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग परमिट के लिए ऑप्शन ऑप्शन जो है इसको क्लिक करेंगे। ये हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखें ये मेरा हो गया है, आ गया है यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे आ गया है कि जो भी डेट मैंने सेलेक्ट किया है, जो भी टाइमिंग मैंने सेलेक्ट की है, आप लोग देख सकते हैं मुझे परमिट यहाँ पे इशू हो गया है। तो ये देखें, ये सारा कुछ प्रोसेस इसका इस तरह से है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी मालूमात जो है, इस वजह से मैंने दी कि ये तो हर किसी को ही आता है, लेकिन बाज़ औक़ात जिनको नहीं आता होगा वो भी इसको देख के अच्छे से समझ सकेंगे और उनके लिए आसानी होगी।
तो इस वजह से मैंने बनाए हैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, ताकि सभी आसानी से खुद ही कर सकें। तो चलिए दुआ में याद रखिएगा, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सकती है। और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, और मदीने की जो भी वीडियोस होगी आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। अच्छा, तो ऐसी ही सारी वीडियोस मैं बनाती रहूँगी मदीने की, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो भी होगी इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगी, तब तक के लिए अगले व्लॉग तक आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह शुक्रन।